यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के नेतृत्व में ग्राम स्वराज जागृति यात्रा बनारस होते हुए चंदौली होते हुए भदोई पहुंची। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने प्रधानों को संबोधित किया। इससे पहले कलेक्ट्रेट पर प्रधानों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी को पत्रक भी सौंपा। भदोई में 5 सूत्री मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि स्वराज जागृति यात्रा निकाली गई, जिसमें उन्होंने 5 सूत्री मांगों को रखा है। अखिल भारतीय संगठन के द्वारा ये यात्रा निकाली गई और सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश के भदोई में स्वराज जागृति यात्रा का आगाज। प्रधान सीधा सीधा गांव के लोगों से जुड़ा हुआ होता है और सरकार बनाने में या विपक्ष में बैठाने में उसकी बड़ा अहम भूमिका रहती है। तो ये हम लोग सब 27 फरवरी को हम लोग तय करेंगे कि 2019 के चुनाव से पहले यदि सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो फिर हम लोगों को क्या उसमें एक्शन लेना होगा। ये सब हम लोग सारे प्रदेश की कमेटी के लोग, जिला अध्यक्ष, 27 फरवरी को हम लोग इको गार्डन में तय करेंगे।